अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने बनाया है टेंगरा फिश सेम आलू की करी, तो हम सबको तो बहुत पसंद है। तो मैंने इसे कैसे बनाया है तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम ले लिया है, इसे धो लिया है, आलू को भी छील करके मैंने रख लिया है, धो के टमाटर और प्याज भी निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना फिश को अच्छे से धो करके रख लिया, तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने जो दुकान से ये फिश को ना अच्छे से साफ़ करवा करके कटवा के लेके आया था, तो इसको कुछ करना नहीं है, बस इसको धो लिया मैंने अच्छे से। तो सेम का जो हरा पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है ना हार्ड वाला, तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो इसको दो टुकड़ा मैंने इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा सेम कट कर लिया है। अब मैं फटाफट से ना प्याज टमाटर वगैरह को भी कट कर लूँगी। तो प्याज को मैं, प्याज बोल रही हूँ, आलू को ना मैं मोटा मोटा कट कर लूँगी। तो यहाँ ना मेरा हस्बैंड लोग को हर तरह का फिश खाना पसंद है, तो हम लोग का तरफ तो फिश में ना ज़्यादा ये सब सब्जी वगैरह मिला के हम लोग नहीं बनाते, खाली फिश को फ्राई करके ना जो करी बनता है उसी तरह का करी बनाते हैं। तो यहाँ ना हर तरह का फिश, चिंगड़ी वगैरह को हर तरह का सब्जी वगैरह में मिला के बनाता है, तो अच्छा टेस्ट होता है उसका। तो टमाटर को कट कर लिया है, अब हरी मिर्च को भी ऐसे ना बीच से ना थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन ले लिया है। अदरक लहसुन को मैं ना इस तरह से पीस करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो आराम हो जाता है कुछ दिन के लिए। तो यहाँ कट करने का काम मैंने सारे कर लिया है, अब फटाफट से ना पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, फिश ना मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छा होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है रिफाइंड ऑयल में बनाना चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है मस्टर्ड ऑयल में ही फिश बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलौंजी डाला है, कलौंजी जो है ना कि कभी कभी सेम वगैरह में बादी होता है, तो कलौंजी फ़ायदा है इसलिए मैंने कलौंजी डाला है। तो यहाँ पर मैंने सूखी मिर्च डाला है दो, हल्का सा इसको भून लेते हैं, इससे ना अच्छा खुशबू आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज को भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ना ब्राउन नहीं करना है प्याज को। तो यहाँ पर प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, अदरक लहसुन मैंने डाल दिया है, अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे सेम आलू डाल दिया है, इसको भी हल्का सा भून लेंगे पहले। नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, तो इसमें ना हम लोग धनिया वगैरह नहीं डालते हैं।
तो मसाला के साथ ना इसको अच्छे से मिला लेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के ना तो इसको मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि सब्ज़ी वगैरह में ना ज़्यादा पानी डालने से भी टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बस ढक के ना 5-7 मिनट जितना भी टाइम लगे। तो ये देखें सब्जी ने तेल छोड़ दिया है, और से मालूम भी मैंने गल गया है। इसमें टमाटर डाल दूंगी मैं, हरी मिर्च। अब इसको मैं ना थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी क्योंकि फिश डालना है मुझे। तो बस फिश को कुछ नहीं करना है, इस तरह से इसमें बिठा देना है। तो धनिया ना जो डंडा वाला जो पार्ट होता है ना, तो वो मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको ढक करके ना धीमी आंच में 5-6 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो ये देखें सेम आलू अच्छे से गल गया है, और जो फिश है वो भी टूटा नहीं है और गल गया है ये भी। तो चलिए सब्जी तो करी हो गया है, अब इसको फटाफट से ना मैं सर्व कर लूँगी। तो ये ना चावल के साथ ना बहुत ही अच्छा होता है, मज़े का होता है। रोटी के साथ तो पता नहीं, खाने वाला तो खाता है लेकिन चावल के साथ ही ज़्यादा अच्छा होगा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा ना धनिया डाल दिया है। तो ये करी तो रेडी हो गया है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, खुशबू भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये देखें तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।